हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो क्या करेंगे आज? 2.2 जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर है 2.2 एक्सरसाइज। ओके, तो बेटा देखो, इसमें हम करेंगे ये पहली बात, इवन एंड ओड सीखेंगे। इवन एंड ओड की क्या होते हैं? इवन पता क्या होते हैं? दो दो के पेयर बने, जैसे ये दो का पेयर, फिर दो का पेयर, ये दो का एक पेयर बन गया, दो दो का एक मैंने पेयर बना दिया। कोई बचा तो नहीं नंबर ना? कोई नंबर बचा तो नहीं? नहीं बचा ना, सारे के सारे पेयर बन गए, दो दो के पेयर बन गए। तो ये होंगे इवन नंबर्स। दो जो दो दो के पेयर बन रहे होंगे वो होंगे इवन नंबर्स। क्या होंगे? इवन नंबर्स। ठीक है, देखो यहां पर भी देखो, ये चेयर्स दो का एक बन गया, दो का फिर एक बन गया पेयर, ये एक और बन गया दो का, ये दो का एक और बन गया, कोई बची तो नहीं चेयर ना? नहीं। तो ये भी क्या है? इवन। क्या है? इवन। यू कैन सी द स्पेलिंग इसके ऊपर ही है। ठीक है, अब हम थर्ड वाले पार्ट की देखते हैं। ये देखो, टू का बन गया, टू का बन गया, फिर एक टू का बन गया, फिर बन गया, फिर बन गया। अब ये तो एक ही रह गया, नहीं ये नहीं बनेगा, जो एक रह गया है ना ये नहीं बनेगा। इसका पेयर कैसे बनेगा अगर इसके साथ एक और फूल होता ना, एक और फ्लावर होता? तो ये तो बच गया। ये होते हैं ऑड नंबर्स। क्या होंगे? ऑड नंबर्स। ठीक है, अब ये भी देखते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सबके पेयर बन रहे हैं, ये हैं इवन नंबर्स। क्या है ये? इवन नंबर्स। ठीक है, अब एक बात याद रखना है आपने, जैसे ये टू है, फिर फोर सिक्स, टू और आगे एट, सिक्स और एट, और ये बन गया 10। तो 10 क्या हो गया? इवन नंबर्स। ये कितने हैं चेयर्स? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट भी इवन नंबर हो गया। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, इलेवन ऑड आ गया। ये वाला वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, फोर्टीन भी क्या आ गया? इवन नंबर आ गया। ठीक है, अब ये वाला क्या है? आप ये खुद करोगे पेयर बनाने। ठीक है, आपने क्या करना है? इसका पेयर बनाने हैं। अगर पेयर में एक कोई भी एक एक्स्ट्रा आ रहा है, कोई नहीं आ रहा पेयर में, तो वो ऑड होगा। और एक चीज मैं आपको और समझा दूं, नंबर्स में कैसे पता लगेगा कि हमें इवन है कि ऑड है। ठीक है, ये मैंने नंबर्स लिख दिए हैं। ये हो गया ना, यहाँ पर जीरो, चलो जीरो, 10 की जगह पर मैं जीरो ही लिख देती हूँ। अब इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स मैंने निकालने हैं, इनमें से याद रखना, ये एक छोड़ के फोर को, फाइव छोड़ा सिक्स, सिक्स छोड़ा एट, तो ये क्या है? सारे नंबर्स इवन नंबर्स। क्या है ये? इवन नंबर्स। ओके, जो बच के थ्री वन फाइव सेवन, फिर एक छोड़ा, एट छोड़ दिया नाइन, तो ये हो गए ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? वन थ्री फाइव सेवन नाइन। ओके, दीज आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। इवन कौन से होंगे? जीरो टू फोर सिक्स एट, दैट्स इट, ये नंबर्स होंगे इवन नंबर्स। अब अगर आप ये कंसेप्ट समझ लिया तो पूरा एक्सरसाइज हो गई। अगर आप यहां पर भी देखो, ये कितने थे? अगर हम काउंट करें 10 थे ना, तो बेटा एक बात याद रखनी है, चाहे जितने मर्जी नंबर्स आ रहे हैं, हमने लास्ट वाला डिजिट देखना है, लास्ट वाला जीरो है ना, जीरो क्या है? इवन नंबर, तो ये इवन था। ये कितने हैं? एट, इवन, एट पता है ना इवन है, ये देखो एट इवन। फिर आगे थे ये आ गया था शायद नाइन। ठीक है, तो नाइन क्या है? ऑड नंबर्स। ठीक है,
तो चाहे आप पेयर बना के कर लो, चाहे आप काउंट करके कर लो, आपको इवन ऑड का मतलब पता लग गया ना, कौन से होते हैं, रिवाइज करते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, ये नंबर कौन से होंगे, ऑड नंबर्स, कौन से होंगे, ऑड नंबर्स, और 2, 0, 2, 4, 6 और 8, ये होंगे इवन नंबर्स। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट पेज। ये वाला देखो, ये वैसे आपको होमवर्क ही दूंगी मैं आज। इन्होंने भी यहाँ पर यही कहा, और नंबर्स है 1, 3, 5, 7, 9 इन यूनिट प्लेस। अब यूनिट प्लेस का मतलब होता है ये वाला नंबर, लास्ट वाला नंबर को हम यूनिट प्लेस बोलते हैं। जैसे 25 है ना, इसके राइट में कौन सा नंबर लास्ट है, 5 है ना, तो 5 क्या है, 5 किस में आता है, ऑड नंबर्स में, तो 25 भी किस में आ गया, ऑड नंबर्स में। ठीक है, जिन नंबर्स के लास्ट में ये लगे होते हैं वो होते हैं इवन नंबर्स। ठीक है, अब देखो उन्होंने कहा, लुक एंड राइट ग्रेट, इवन नंबर्स में हमने ग्रीन कलर करना है, इवन नंबर्स में ग्रीन करना है, तो इवन कौन सी है, 2 वाला, 4 वाला, 6 वाला, ठीक है आगे कर लोगे ना, 8, 10, 12। अब 12 कैसे हुआ, इसके लास्ट में कौन सा लगा हुआ है, 12 के लास्ट में 2 लगा हुआ है, तो 2 क्या है, इवन नंबर। ठीक है, तो ये सारे चेक करके आपने देखना है कौन से इवन है कौन से ऑड है, इवन में ग्रीन कलर फिल कर देना है जैसे मैंने किया है। अब ये देखो येलो कलर करना है जो ऑड है, हमने इसमें येलो कलर कलर करना है जो ऑड है। ऑड कौन से थे, 1, 3, 5, आप तो आपको लर्न भी हो गए होंगे ना, 7, 9, तो येलो कलर 1, पता है ना लास्ट में 1 है तो ऑड नंबर, ये लास्ट में 3 है तो ऑड नंबर, तो मैं बीच में से कोई भी, सारे करने हैं आपने, मैं बीच में से कोई नंबर उठा रही हूँ, जैसे मान लो मैंने उठा लिया ये 78, 78 के लास्ट में कौन सा है, 8 है, नहीं होगा ये तो इवन है, ये है 9 है ना लास्ट में, तो ये क्या होगा, और नंबर। तो ऐसे आपने क्या करना है, इसको कलर कर देना है। ठीक है, आप मुझे बताइए, ये बड़े इंटरेस्टिंग वे से कर लोगे। ठीक है, अब टर्न आ गई इवन और ऑड नंबर्स को मैच करने की। तो इवन नंबर्स कौन कौन से मैं उठाती हूँ इसमें से, जैसे ये 84, 84 को मैंने इवन से मैच कर दिया, ये 2 है ना लास्ट में, 2 भी इवन नंबर। ठीक है, फिर ये वाला इवन नंबर है क्योंकि 8 है लास्ट में। अब ये बाकी के बाकी भी आपने करने हैं, ये 6 इवन नंबर है लास्ट में, 4 इवन नंबर है, 2 भी इवन नंबर है, बाकी तो मुझे ऑड ही लग रहे हैं, ये है। ठीक है, और बाकी जो बच गए ऑब्वियसली वो कौन से होंगे, वो होंगे ऑड नंबर्स, कौन कौन से होंगे, ये वाला 1 है, 1 है ऑड नंबर। ठीक है, ये है, समय लगा, तो ये है ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स का कंसेप्ट, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। थैंक यू सो मच।